नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इन जानूस। बुधवार को रिको क्षेत्र सिरोही में आयोजित सिरोही विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों की समन्वय समिति बैठक के अवसर पर पहली बार सिरोही पहुंची राष्ट्रीय सचिव श्रीमती विजया राहटकर का भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। राहटकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और हमारे सौभाग्य है कि देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भाजपा परिवार ने दिया है। बैठक में बूथ को कैसे मजबूत बनाया जाए उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं कार्यकर्ताओं को कहा कि हर बूथ पर अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। इस अवसर पर जिम्मेदारों से सीधा संगठनात्मक संवाद करते हुए प्रदेश सह प्रभारी ने सवाल जवाब किए तथा आने वाले दिनों में कार्य योजना के साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए कार्य करने के 10 मूल मंत्र सहित बूथ स्तर पर करणीय 5 प्रमुख कार्यों से अवगत करवाया। उन्होंने कार्यकर्ता में जोश और ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि जनता का भरोसा हासिल करने के लिए आमजन की दुख तकलीफों में भागीदार बने। राहटकर ने कहा कि आने वाले मन की बात का 100वां एपिसोड है जो हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को सुननी है। वह कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आने वाले सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहभागिता निभानी है। महिला मोर्चा को सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम पर जोर देने को कहा। किसान मोर्चा को खेत पर जाकर किसान चौपाल करना। अल्पसंख्यक मोर्चा को हर घर जाकर मोदी जी के सफल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा। युवा मोर्चा को हर नए मतदाता से संपर्क कर उनकी सूचना बनाना एवं भाजपा में जोड़ने के लिए प्रेरित करना। एसटीएससी मोर्चा को कार्यकर्ताओं को छात्रावास में जाकर बच्चों से योजनाओं के बारे में बताना। भर्ती संपर्क का अभियान चलाना एवं पूरे भारत में जो एकलव्य स्कूल बने हैं उनके बारे में बताना। ओबीसी मोर्चा को छोटे छोटे जातियों को मिलाकर उनसे संपर्क करने के बारे में बताया। राहटकर ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने भाजपा विधायकों के साथ भेदभाव करती आई है और उनके विकास में रोड़ा अटकाने का कार्य करती है। गहलोत ने सरकार आने से पहले जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए और पूरा समय आपस में टकराव में ही चला गया। राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार से आम जन को केवल निराशा ही हाथ लगी। आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर कार्य में विफल है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। पेपर लीक के मामले आए दिन सुनने में आ रहे हैं। युवाओं एवं एसटीएससी वर्ग के युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। आज राजस्थान में किसान कर्ज माफी बिजली की समस्याओं से आम जन जूझ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस जनता से विश्वासघात कर सत्ता में आई है। चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन्हें अभी तक पूरे नहीं कर सकी है। लाखों कार्यकर्ताओं के दम पर इस बार बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सिरोही जिले में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। राहटकर ने भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत से आज सिरोही जिला कांग्रेस मुक्त जिला है। सांसद भी बीजेपी से हैं। आने वाले समय में जिले में कांग्रेस को पैर रखने के लिए भी जमीन नहीं मिलेगी। सिरोही की जीत की कसक व टीस को लेकर आपके मन में जो ज्वाला धधक रही है उसकी पूरी एकजुटता अनुशासन कार्य योजना और जन समर्थन लेकर पुनः भाजपा का परचम फरका कर पूरा करें। कार्यक्रम सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।